टूटी हुई चीजों से कुछ बनाना चाह रहे हैं, ये बताइए से लेके आए हैं। रिसाइकलिंग किया करें हम। हाँ, ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं ये मास्क के। माशाल्लाह देखे बना लेते हैं, वैसे बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं। ये हमारा बन चुका है, इस पर शुर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू फनी व्लॉग। आंखें इस तरह हो रही है क्योंकि सामने बिल्कुल सूरज है, उसकी वजह से इस तरह मेरी आंखें हो रही है। देखिए मम्मा बैठी और हम छत पे आए हुए हैं इस टाइम। ये देखिए क्या कर रहे हो, शूज रैक बना रहे हैं। आता भी है और ये कारपेंटर बने हुए, कुछ ना कुछ हमारे बच्चे एक्टिविटी करते रहते हैं जब आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी भी आज भी कुछ ना कुछ बनाएंगे ये, तो वो दिखाएंगे आपको क्या बनाते हैं। नूर भी लगी है, सारे लगे हैं ये, तो देखते हैं क्या बनता है। और इसके साथ साथ आपको बाकी की रूटीन भी दिखाएंगे। आज मैं रोज को फिर से डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसका तीसरा विजिट है आज, वो भी आपके साथ। ऋषि आप कुछ बोलना चाहती हो? ऋषि भी साथ ही लगी हुई है इनके साथ। अभी ये दिखाते हैं आपको क्या बनाएंगे। अभी मैंने तो कपड़े धोने हैं क्योंकि मैं बिजी हूँ, नीचे जाके मैं कपड़े धोने मशीन लगाई हुई है। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारे काम, आज बहुत बिजी डे है हमारा, तो बच्चे छत पे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। दिखाती हूँ इनको, विशाल भी लगी हुई है इनके साथ। हरम आप क्या करने गई हो वहाँ पे? असल में ये क्या था भला, ये तायमी की मशीन का ये स्टैंड था जिसकी एक लेग टूट गई थी कल, तो ये उसी से कुछ अब टूटी हुई चीज़ों से कुछ बनाना चाह रहे हैं। ये बताइए से लेके आए हैं, रिसाइकलिंग किया करें हम। हाँ बात तो सही है। ये रिसाइकलिंग कर रहे हैं ये, तो उस स्टैंड से ये बनाएंगे कुछ ना कुछ। ताइमी ने ये इनको दे दिया, तो माशाल्लाह बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं, हैंडमेड चीज़ें काफ़ी बनाने की कोशिश करते हैं। ऋषि और ये हमें आपको दिखाऊंगी, नूर नूर भी लगी हुई है, कोई कील ना लग जाए बेटे आपके हाथ में। देखते भी जब ये बना लेंगे तो फिर देखेंगे कामयाब होते हैं कि नहीं कुछ बनाने में। ये कुछ कपड़े आनी निकाल रही है, कुछ रख रही है, आजकल में रजाइयाँ भी निकालनी है। ये सारा सामान इधर ये हरम वगैरह का ऊपर ममटी में रखी हुई है, पेटियाँ वगैरह मेरी और ताई की नीचे स्टोर में, और वो इतना सामान है उनके ऊपर की रजाइयाँ निकालना हमें इतना मुश्किल लगता है। और कब निकलेंगी, सर्दी लगती है अब तो रात को। मैं तो अब नीचे जा रही हूँ कपड़े धो लूँ। और ये हरम किधर चल पड़ी है? अच्छा सफाई करनी है। चलें जी चलते हैं नीचे, अपने काम कर लेते हैं, किचन का भी करना है। अभी इतना सारा खाना वगैरह भी बनेगा, बाकी ये बिखरा हुआ है सारा भी सब कुछ समेटने वाले हैं। कपड़ों की सेटिंग हो रही है गर्मियों की सर्दियों की, इसलिए सब कुछ बिखरा पड़ा ही यहाँ पे। मैं अभी मैं कपड़े धो लूँ, इतना सारा काम करने वाला, बिजी डे है आज, ये ढेरों ढेर कपड़े हैं मेरे और काफ़ी सारे हैं। मशीन लगाई है मैंने नाश्ते वगैरह से फारी होके, तो मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद किचन का काम करना है, उसके बाद फिर रोशन मेडिसन लेने अब जाएंगे शाम को डॉक्टर के पास, उसका तीसरा विजिट है। माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क है उसको पहले से, बहुत शरारती भी हो गई है और बहुत तेज़ हो गई है माशाल्लाह। इसलिए मैं कपड़े धोती हूँ। जो मुजम्मिल बना के लेके आया है शूज़ रैक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मास्क के, माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए बना लेते हैं, वैसे बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं कि नहीं? ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और माशाल्लाह उसमें कामयाब भी होते हैं। ये देखिए इन्होंने बना लिया है, रिसाइकलिंग की है ये किस्म की, ऐसे माशाल्लाह। ये मैं कपड़े वगैरह धो रही थी यहाँ पे, तो ये मुझे नीचे दिखाने के लिए आ गए। क्या पेंट भी करेंगे? अच्छा अभी पेंट भी करना है आप लोगों के पास है पेंट? अच्छा जी ये देखें, आप भी बताइएगा कि इनकी एक्टिविटी आपको कैसी लगती है। ये माशाल्लाह देखें कितने टैलेंटेड हैं हमारे बच्चे, कुछ ना कुछ बना लेते हैं ये। बाकी किधर है सारे?
वो ऊपर अभी पेंट करना है ना, ऊपर सूख जाए जल्दी। अच्छा चलो, रूश तंग तो नहीं कर रही? नहीं वो खेलती है। ओके चलो, यानी हलवा बना रही है क्योंकि चाचू का मुराकबा कंप्लीट हो गया है, तो इस खुशी में मीठा बनाया जा रहा है। कितने दिन का था भला? 40 दिन का। 40 दिन का मुराकबा किया था जहीर ने, तो वो आज ख़त्म हुआ है, तो फिर मीठा बनाया जा रहा है। हलवे की फरमाइश की है। क्या हुआ, क्या चाहिए हैं? भालू चाहिए? ये धोए हैं आज, गंदा है, कैसे दे? ये इतना भारी है, आपको पता है ये इतना ज्यादा भारी है? ये देखो उठाया भी नहीं जा रहा, पकड़ो आप जरा, लो लो, इसका ये मैंने रख दिया इधर। शक्ल से बहुत मजे का लग रहा है, ये देखिए अब हम इसको प्लेट में डालेंगे और फिर खाएंगे, और चाचू जब आएंगे ना तो फिर इस पे ख़त्म भी पढ़ देंगे ताकि दूसरों के पास भी चला जाए। अभी मैं कपड़े धो के खा रही हूँ और इतनी कम मैं गैस में रखी, बिल्कुल फ्लेम नहीं आ रहा इसको, फिर रोटियाँ भी नहीं सही से पक रही, भूख इतनी लग गई है, कच्ची पक्की रोटियाँ खानी पड़ेंगी अभी हमें, टाइम भी काफ़ी हो गया। मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, खाना आनी एक्सपर्ट है सूजी का हलवा बनाने में, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। इधर आए आपको भी खिलाते हैं, खा लिया आप भी खा सकते हैं। ये हमारा बन चुका है सर, शुर है सा, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा वो स्टिक वगैरह नहीं थी जिससे हम इसको बनाते हैं, तो इस वजह से ना हमने इसको इतना बनाया, लेकिन फिर भी ये इतना मजबूत और इतना बन गया सही, वरना ये भी ना बनता। सही बना है, बड़ी मुश्किल से बाकी है ये खातून, सही फरमा रही है, लेकिन ये आप मेरे को चले जाइए, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो? मम्मा देखो बॉल के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी तक मेरे कपड़े सूखे नहीं है, शाम हो गई है, सारे अभी इस टाइम सकते हैं, हालांकि मौसम ठंडा हो गया लेकिन नीचे बोरियत हो जाती है, थोड़े थोड़े छत पे फ्रेश हो गया आपके, और बच्चे खेल रहे हैं सारे। जनाब आज काफ़ी थकन वाला दिन था क्योंकि मुझे काफ़ी थकावट हो गई है, कपड़े वगैरह धोए और फिर अभी तक नहीं आए ऑफिस से, मैंने असल में अनुष को लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो आज शायद उसके पास टाइम ही निकला, तो इंशाल्लाह हम कल जाएंगे डॉक्टर के पास इसको लेके। अभी बच्चे वगैरह इधर खेल रहे हैं, तो काफ़ी शाम भी काफ़ी हो गई है, अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का मैं एंड करूँगी, और आज काफ़ी थक गए हैं, तो अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हाथ में नासिब, आप सबको खुशियाँ दे, अल्लाह हाफिज़।